हेलो फ्रेंड्स, ज्योति राज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में बनाने जा रही हूँ बेसन की पकौड़ी। और आइए फ्रेंड्स, जिस जिसको अच्छी लगती है वो खाने के लिए रेडी हो जाएं, टिश साफ करके और आ जाएं। ढेर सारी बनाऊंगी, और जिस जिसको पसंद हो तो वो आ जाए और कमेंट करे, कमेंट में बताए मुझे कैसी लगी है पकौड़ी हमारी। ये मैं मटर छील रही हूँ, ये मैंने प्याज ले लिया, ये मैंने पोटैटो ले लिया, ये मैंने मिर्ची ले ली। इन सबको मैं कट कर लूँगी, जब मैं भजिया बनाऊँगी। कैसे है? सर पे क्या रख रखा है आपने? सर पे चोटी है, समझ में आया है? मेरी फैशन है। ये फैशन है? ऐसा लग रहा है जैसे जटाओं वाले बाबा आ गए हों घर में। संभल के उंगलियों से। अरे बाबा, बावर्ची मैडम अभी तो बावर्ची हो, अभी तो लगे होंगे। फ्रेंड्स कमेंट में बताना किस किस के पतिदेव साथ में काम करा लेते हैं। देखो मेरे पतिदेव, देखो काम करा रहे हैं मेरे साथ, कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? कि नौकरानी थोड़ी ना लेके आता है कोई, जो नौकरानी लेके आते हैं वो साथ में काम नहीं कराते हैं भैया। वो भी इंसान है, जीव है, जिनकी नजरों में अपनी वाइफ नौकरानी होती है वो लोग अपना कंबल में सोते हैं। काम मैडम करें। जब शादी होती है ना, जब मंत्र सुनाए जाते हैं तो पत्नी का जो नाम लिया जाता है वो होता है अर्धांगनी, यानी अर्धांगनी, यानी कि सब कुछ आधा आधा। हाँ तो भैया तुम्हारा काम आधा क्यों नहीं? काम भी आधा आधा। अच्छा तो मैं भी तो आपके साथ कराती हूँ। हाँ तो हमने कब कहा हम पूरा कर रहे हैं, आधे आधा कर रहे हैं। आपका बिजनेस में मैं भी तो हाथ बटाती हूँ। बिल्कुल बटाती हूँ। आपके बिजनेस में हाथ बटाते हैं? मेरा क्या बिजनेस है? मैं तो जैसा उस दिन था वैसा आज हूँ। ना तो मेरे पास उस दिन बिजनेस था ना आज है, मेरे तुम्हारा है। हमारा है। मैं तो तुम्हारे बिजनेस का द्वारपाल हूँ। द्वारपाल द्वारपाल चौकीदार बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में जैसे। आप हमारे बिजनेस के चौकीदार हैं। देखना फ्रेंड्स, मटर छील ली है, मटर पड़ गई है, पोटैटो छोटा छोटा सा काटा हुआ है, ये प्याज है लच्छेदार, इसमें ये मैं प्याज के लच्छे लच्छे अलग कर रही हूँ, फिर मैं भजिया बनाऊंगी। इसमें थोड़ी सी ग्रीन मिर्ची भी काटूंगी, ग्रीन मिर्ची को मैं धुल के ले आई हूँ। दूसरा ले आओ कंप्लीट। देखना बड़ा चाकू मेरे पतिदेव जी चला रहे, तो मैंने अपना छोटा चाकू हटाक कट कर दे रही। वैसे मैं मिर्ची काटती नहीं हूँ, मेरे हाथों में लगती है। मिर्ची काटने की नहीं तो हमारी आपने भी ले लिया आज। आप उधर एक काम कर लेते ना, मैं सोच रही जल्दी बन जाए, ये देखना इसके छल्ले निकालना। काफी टाइम भी हो गया, अभी ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है। मिर्ची धुली हुई है? हाँ धुली हुई है। इसको वो ले लो ना काटने के लिए। चला चला।
दिखाएगी। ये ओनियन कट हो गया, अच्छा जब तुमने शादी की थी इसमें तो मालूम था पति बावर्ची मिलेगा? नहीं मेरे को नहीं मालूम था, और आप बावर्ची थे भी कहाँ, तुमने तो मुझसे सीखा है, अब क्या कर ही पाते थे कुछ। एक दो बार कुछ बनाया, इतना गंदा बनाया, उठा के मैंने फेंक दिया। तो जैसा था बनाया तो था, आपको बनाना तो नहीं आता था। इतना मालूम था अगर बावर्ची मिलेगा नहीं तो मैं बना दूंगी, इतना मालूम था। पहले से प्लानिंग थी। इतना मालूम था अगर बावर्ची होगा नहीं तो मैं बावर्ची बना दूंगी। क्यों बनाऊंगी? क्योंकि भैया जमाना तो है नौकर बीवी का। हाँ मैं फैमिली के साथ रह रही होती तो आपको नहीं बनना पड़ता, और जब मैं फैमिली के साथ नहीं रह रही हूँ तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अकेले कितना काम कर लूंगी। आप भी बताओ। चलो अब आते हैं सही टॉपिक पे। भजिया बनाने जा रही हूँ, जो हमारी रेसिपी बनने जा रही है उसमें ये देखना फ्रेंड्स, मैंने हरी मिर्ची काट दी, प्याज को लच्छेदार काट दिया, आलू छोटा छोटा बारीक काटा और मटर छील दी, और मैंने ये सारे मिक्स कर रही हूँ। और मैं इसमें अब बेसन ऐड करूँगी फ्रेंड्स। बेसन ऐड करें तो ध्यान रखना, ये देखो ये मिर्चें बारीक कटी हुई फ्रेंड्स, ये प्याज है लच्छेदार, आप लंबा भी काट सकते हैं गोल भी काट सकते हैं, मेरे को जैसा अच्छा लगता है वैसा मैंने कट कर लिया है फ्रेंड्स। ये मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, ये फ्रेंड्स बेसन का काफ़ी ध्यान रखना है, बेसन इसमें कम रखना है। जब ये जो प्याज वगैरह है ना, ये करारे होते हैं जब अच्छे लगते हैं, और बेसन के साथ में करारे नहीं हो पाते, ज़्यादा बेसन हो जाए तो करारी करारी पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, अपने स्वाद अनुसार आपको जैसा पसंद हो आप वैसा डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको जब अब मैं मिक्स करने जा रही हूँ, मिक्स करने में काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं डलना चाहिए और इसको फेंटना भी नहीं चाहिए, ये उठा उठा के मिक्स करना चाहिए फ्रेंड्स। और ये मैं जब तक कि कढ़ाई में तेल डाल दिया है, ये देखो मैं फ्रेंड्स इसको मिक्स कर रही हूँ, देखो उठा रही हूँ फेंट नहीं रही हूँ, फेंटने से ये मुलायम पड़ जाते हैं तो फिर ये करारे नहीं होते हैं फ्रेंड्स। और ये देखो मैंने उठा उठा के मिक्स किया था, और ये मैं ये कढ़ाई में डाल रही हूँ फ्रेंड्स, और इनको मैं तलूँगी, डालूँगी तो तेज़ गैस पर डालूँगी, और जब मैं इनको तलूँगी तो थोड़ा सा स्लो कर लूँगी क्योंकि ये करारे करारे अच्छे से ब्राउन हो जाएं इसलिए। और ये मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स। और हमारी अगर रेसिपी पसंद आती है आपको तो ज्योति राज फ्रेंड्स के नाम से हमारा चैनल है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 11 बजे हमारी पर डे एक रेसिपी जाती है, और आपको जो भी रेसिपी पसंद हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वो भी मैं डाल दूँगी। और ये भी रेसिपी जो हम डाल रहे हैं इसमें भी बताएं आप कमेंट करके कैसी बनी, आपको कैसी लग रही है, आपको अच्छी लग रही या नहीं लग रही, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ज्योति राज यूट्यूब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये देखो मैंने पकौड़ियाँ इसमें डाल दी हैं फ्रेंड्स, इनको मैं ब्राउन होने तक तलूँगी, और जिस जिसको खाना हो फ्रेंड्स वो भी आ सकते हैं, आइए खाइए और इसका टेस्ट बताइए, और आप लोग भी घर में ट्राई करें, ये काफ़ी अच्छी लगती है चाय के साथ में। ये हमारे पति देव तो पेट भर के खाते हैं, इनको रोटियां नहीं चाहिए, पकौड़ी बने तो पकौड़ी ही पेट भर के चाहिए, रोटियां नहीं चाहिए, सब्जी नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पेट भर के पकौड़ी खा लेंगे चाय के साथ। ये देखना ब्राउन हो रही हैं एक तरफ से मैंने, अब दूसरी तरफ में मैंने पलट दी हैं ये अपनी पकौड़ी। ये मैं स्लो गैस पे इसको तलूंगी क्योंकि ये करारी हो जाए अच्छे से। अब ये देखो फ्रेंड्स ये प्याज निकल लाना है फ्रेंड्स इधर उधर, ये लच्छे से यही करारे होते हैं, और ज़्यादा बेसन पड़ जाए तो ये करारे कम हो पाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसमें बेसन जब ऐड करती हूँ तो काफ़ी ध्यान रखती हूँ, बेसन इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसको फेंटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये केवल उठा उठा के मिक्स करना चाहिए बस, हाथों से उठा उठा के जैसे हाथ घुमा के फेंट देते ना वैसे फेंटना नहीं चाहिए। ये देखो मैं अपनी ट्रे पे निकाल रही हूँ,
ये पकौड़ियाँ ऐसी मैं सारी तल लूँगी पकौड़ियाँ, क्योंकि हम दो ही लोग हैं, मेरी दो बार में पकौड़ी फ्राई हो जाएंगी, मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। दो लोग में जितनी फिनिश होंगी ना उतनी ही मैं बना रही हूँ। अगर आप लोग कमेंट में बता देंगे तो आप लोगों को भी बढ़ती बना देंगे। जो जो आ रहे हैं वो कमेंट में अपने अपना ज़रूर बताएं कि मैं आ रहे हैं खाने, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा बना देंगे फ्रेंड्स। और ये देखो मैं दोबारा डाल रही हूँ इसमें। और ज्योति राज फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है। आप जो न्यू रेसिपी बताएं हम वो भी बना के डाल देंगे। और ये मैं देखो डाल रही हूँ। और आपको कैसी लगती है खाने में पकौड़ियाँ? क्या हुआ मैडम जी, बच गई है? वो ग्रीन वाले कप में या ब्लू वाले कप में छान दो सारी, हमारे लिए ब्लू वाले कप में कर दो। दो दो कप में चाय देखना फ्रेंड्स, ये डबल कप चाय पीते हैं, जबकि चाय नुकसान देती है, एक कप पीना चाहिए। मैडम ने पकौड़ी टेस्टी बनाई है जी, जिसको खानी हो वो भी आ जाओ, काफी सारी रखी हुई है। देखो काफी टेस्टी बनी हुई है भजिया। तो क्या बोलना चाहोगे आप अपने फ्रेंड्स से? अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज्योतिराज फ्रेंड्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हर वर्ग के कमेंट करें कैसे बने, कैसे लगे, ये सब कुछ मुझे बताएं।